अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परदेसी फूड विद काशिफ। क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, इसका नाम है शोरबा गोश्त। ओके, इसमें हम गोश्त का शोरबा बनाएंगे अच्छा सा। तो इसमें जो चीज़ें डलती हैं उसका नाम ले लूँ और आपको बता दूँ। इसमें मैंने दो अदद प्याज लिए हैं, दो अदद टमाटर लिए हैं जी, अदरक लहसुन लिया है, 1 किलो मैंने गोश्त लिया है जी, छोटा गोश्त बकरे का, और मैंने लिए हैं मसाले। मसाले जो लिए हैं, मैंने ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, 1/2 चम्मच मैंने लिया है जी दादर मिर्च, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है, और 1 चम्मच जो मैंने कड़ी पाउडर। आपको मैं बताता जाऊँ, परदेश में जो है ना ये कड़ी पाउडर ज़्यादा यूज़ होता है जी, ठीक है जी, तो इसलिए मैं इधर ये यूज़ करता हूँ। आप इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, इसके मतबादल आप सुरख मिर्च ऐड कर सकते हैं। ओके, सुरख मिर्च डाल सकते हैं। और बाकी जो मैंने लिया है, लौंग लिया है, इलायची लिया है, दालचीनी लिया है, बादियान का फूल लिया है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। जी व्यूवर्स, सबसे पहले हम ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल मैं आपको बताता जाऊँ, इतना होना चाहिए जितना आपको अच्छा लगता है, ये ना हो ज़्यादा भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। ऑयल आप उतना यूज़ करें जितना आपको पसंद है। ओके जी, ऑयल के बाद हम थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। जी व्यूवर्स, मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम प्याज़ों को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। जी व्यूवर्स, लाइट ब्राउन हो चुके हैं हमारे प्याज। अब हम इसमें टमाटर और अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। जी व्यूवर्स, अदरक और टमाटर को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम जो अपने मसाला जाते हैं हम आप इसमें ऐड करेंगे और अपने मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे 5 मिनट तक, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जी, ये थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा मैं कि हमारा मसाला जो है नीचे लगे ना। मसाले को 5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, इसमें गोश्त ऐड करके फिर स्टीम देंगे। ओके जी, जी व्यूवर्स, मसाले को पकाने के बाद 5 मिनट तक, तो अब हम इसमें गोश्त ऐड करने लगे हैं। जी व्यूवर्स, गोश्त मैंने ऐड कर लिया है, साथ ही हम इसमें भी इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें ये गोश्त हमारा अच्छा गल जाए, स्टीम अच्छी तरह आ जाए। ओके जी, जी व्यूवर्स, मैंने पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसको 40 मिनट तक स्टीम देंगे। जी व्यूवर्स, 40 मिनट तक मैंने स्टीम दी है और हमारा गोश्त देखें अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह तेज़ आंच में भूनेंगे। ओके जी, अच्छी तरह इसको भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। ओके, जी व्यूवर्स, मैंने गोश्त अच्छी तरह से भून लिया, ठीक है जी। अब आपने लास्ट में क्या करना है, जितना आपको शोरबा चाहिए इसके लिए, ठीक है जी, रोटी के साथ जितना आपको अच्छा लगे उतना आपने लास्ट में पानी ऐड कर देना है भूनने के बाद गोश्त को अच्छी तरह से। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, मैंने भून लिया गोश्त को। अब मैं इसमें पानी ऐड करने लगूँ, पानी इतना ऐड करना है जितना आपको शोरबा चाहिए, ठीक है जी। मुझे जितना चाहिए मैं उतना पानी ऐड कर रहा हूँ। ओके,
ओके जी, ये हमारा शोरबा तैयार होगा। ठीक है, मैंने पानी ऐड कर दिया है शोरबा बनाने के लिए। अब मैं इसको तकरीबन दरमियानी आंच पे रख दूंगा और 10 मिनट तक इसको पकाऊंगा शोरबे को अपने। ओके जी। जी व्यूवर्स, हमारा शोरबा गोश्त देखें तैयार हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, शोरबा भी हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। जी व्यूवर्स, मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। अब इसमें हम अदरक और हरी मिर्च की गार्निश करेंगे। जी व्यूवर्स, हमारा शोरबा गोश्त तैयार हो चुका है। देखें शोरबा भी कितना अच्छा बना और गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है, और कलर देखें आप, आपके सामने है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी शोरबे गोश्त की, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं अब आपसे मिलूँगा नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।